हेलो दोस्तों, एमआर के स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि पिछली बार आपके जो IOCL में रिफाइनरी के लिए वैकेंसी आई थी, तो उसमें भी हम लोगों ने आपके लिए जो तैयारी कराई थी, तो वैसे ही हम आपके लिए जो इस बार आई हैं आपके अप्रेंटिस के लिए IOCL में पाइपलाइन के लिए वैकेंसी, तो उसी में हम जैसे कि मानो आपका डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका करंट अफेयर, GK, GS वगैरह, ये सारा कुछ है, मैथ, रीजनिंग और अदर भी जो भी सब्जेक्ट है, टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक हो, तो कुल मिला के सभी के लिए हम आपकी जो क्लासें चल रही थी, तो नियमित आपका आज से देख लो, आज 17 तारीख हो गया और इसका जो 18 दिसंबर को एग्जाम है, तो कुल मिला के आपके पास 1 महीने का समय है। तो 1 महीने में निरंतर आपको इसी तरह आपको क्लास मिलती रहेंगी, तो आप इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा देखें और आगे एग्जाम फाइट करें। तो यहाँ मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपके करंट अफेयर के लिए टॉप 10 क्वेश्चन है, पर लेकिन इसमें आपको कम से कम 30 और 40 के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो पिछली बार भी आपके एग्जामों में ये क्वेश्चन जैसा कि पढ़ाया था वैसे ही क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले थे, और इस बार भी आशा करता हूँ कि पहले से और ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस, और जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, उसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले ये प्रवासी भारतीय दिवस होता है या प्रवासी दिवस होता है ये मनाया कब जाता है। तो 9 जनवरी को कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। अब 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, किसी और भी दिन तो मना सकते थे। तो ये 9 जनवरी को क्या हुआ था, जो गांधी जी थे, कौन गांधी जी, तो गांधी जी कहां से वापस आए थे, आपके अफ्रीका से। गांधी जी कहां से वापस आए थे, अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो उनके जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब भारत में वापस आए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाने लगे, प्रवासी भारतीय दिवस। तो अब बात करते हैं ये इसकी जो मेजबानी करेगा वो कौन सा शहर करेगा, तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा इंदौर। अब बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर ये कहाँ पर स्थित है, MP में, ये तो सारे लोग जानते ही होंगे। अब इंदौर को हाल ही में क्या अवार्ड मिला है, क्लीन सिटी ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है, और ये कौन सी भी बार है, ये इसका 6वां है, लगातार 6वीं बार ये बना है। क्लीन सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड किसे मिला है, इंदौर को, कौन सी बार, लगातार 6वां बार, और फर्स्ट नंबर पे ये रहा है, दूसरे नंबर पर लगातार वो भी 2 बार हुआ है, वो क्या है आपका, सूरत। तो भाई सूरत बदलेगी, सीधी बात है, जब सूरत बदलेगी तो कैसा दिखाई देगा, साफ होगा। तो यहाँ सूरत दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पर भी है, और ये लगातार दूसरी बार भी बना है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं, जैसे इंदौर को एक और पुरस्कार मिला है, जो ये भारत का पहला, ये क्या है, भारत का पहला 7 स्टार, 7 स्टार सेवन स्टार कचरा मुक्त शहर। तो ये जो पुरस्कार है, जो इंदौर को ये भी पुरस्कार मिला है कि भारत का पहला है, और कौन सा, 7 स्टार कचरा मुक्त शहर कौन है, इंदौर। तो ये ध्यान रखना, ये चीज शायद बहुत ही कम ही लोगों ने सुना होगा कि ये 7 कचरा स्टार मुक्त शहर में भी मानो कोई पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भारत का पहला है, और ये पहला कौन बना है, इंदौर बना है, तो इसे ध्यान रखना होगा। और एक सफाई सफाई मित्र सुरक्षा अभियान है, उसमें भी जो मिला है पुरस्कार वो कहाँ मिला है, तिरुपति, जो कहाँ पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश में, इसे भी ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक कौन सा है, ये नॉर्थ ईस्ट अर्थात पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व, जो ओलंपिक गेम्स हैं, तो 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। जब नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट अब इंडिया में हो रहे हैं, तो इसका जो मेजबान देश होगा वो नॉर्थ ईस्ट ही वाला होगा।
अब यहाँ आप देख लीजिए कि ये पंजाब है, मेघालय है, गोवा है, केरल है, इसमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट में आता है? पंजाब है, ये तो आपका नॉर्थ में आ जाता है, गोवा है, ये साउथ एरिया में आ जाता है आपका, और ये केरल है, केरल भी साउथ में, फुली ये तो साउथ है। तो यहाँ देख लीजिए जो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, मेघालय। कुछ चीज ऐसी होती है कि हमें नहीं पता होता फिर भी हम उनका क्या निकाल सकते हैं, ऐसे ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं सटीक। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, मेघालय। अब बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। क्या है राजधानी, शिलोंग। अब शिलोंग तो यहाँ के सीएम कौन है, सीएम कौन है, कौन रोड, कौन रोड संगमा। मेघालय का सीएम कौन है, कौन रोड संगमा। अब बात करते हैं हम यहाँ का गवर्नर या राज्यपाल, तो गवर्नर कौन है यहाँ का, बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद और भी देख लेते हैं कुछ, जैसे यहाँ का एक फेस्टिवल है मुख्य, कहाँ का, मेघालय का, मेघालय का मुख्य फेस्टिवल क्या है आपका, नोग कर्म, नोग कर्म। तो ये नोग कर्म फेस्टिवल होता है, ये नवंबर महीने में मनाया जाता है, कब, नवंबर महीने में, और ये कितने दिन तक चलता है, 5 दिन तक। अब इसमें होता क्या है, तो नोग कर्म होता है अर्थात बकरे या बकरी की बलि, जो नोग कर्म का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, बकरा, बकरी की बलि। तो इसमें क्या होता है, बकरी की बलि दी जाती है, और बकरी की बलि के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, जो क्या होते हैं, नवविवाह युवतियां होते हैं, अर्थात जो जिसकी शादी नहीं हुई होती है, जो लड़का या लड़की होते हैं, वो एक साथ क्या करते हैं, डांस करते हैं, इस जो फेस्टिवल के संदर्भ में बता रहे हैं हम आपको। तो जो नौकर्म फेस्टिवल होता है उस पर ये सारा कुछ मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखने योग्य चीजें हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र महासागर, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है तो ये किसके द्वारा किया जाता है, आपके यूनाइटेड नेशन द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ये यहाँ पे ये से काट देना आप। तो ये यूनाइटेड नेशन द्वारा ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब वो ये पूछ रहा है कि इसका जो आयोजन हुआ है वो किस शहर में हुआ है, तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया है, जैसे नई दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, लिस्बन है, पेरिस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कहाँ होगा, लिस्बन। अब बात करते हैं लिस्बन की, तो लिस्बन ये कहाँ की राजधानी है, सभी जानते होंगे, तो ये लिस्बन है, ये कहाँ की राजधानी है, पुर्तगाल की, पुर्तगाल। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अब ये पुर्तगाल पड़ता कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में, कहाँ पे, यूरोप महाद्वीप में। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं फाइड, फाइड फेडरेशन, वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन होता है, इसे फाइड मतलब शॉर्ट में बोलते हैं, कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जो वाइस प्रेसिडेंट आपका कौन बना है, अब यहाँ देख लीजिए कि आपका इसमें से चेस से संबंधित कौन है, तो यहाँ हमें चेस से संबंधित कौन दिखाई दे रहा है, जैसे विश्वनाथ आनंद, और विश्वनाथ आनंद इसके जो चेस वाइस प्रेसिडेंट बने वो कौन है, विश्वनाथ आनंद है। अब बात करते हैं कि विश्वनाथ आनंद को किस पुरस्कार से नवाजा गया था और ये क्या थे, तो विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, या ग्रैंड फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन थे, विश्वनाथ आनंद। ये उन्हीं से संबंधित तथ्य बताए जा रहे हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, वो सॉरी इसी से अगला पॉइंट। तो देखो ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया थे, और उसके बाद जो सन 1991 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार खेल खेल में क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जो सन 1991 में शुरुआत हुई थी, कब, 1991 में, उसका नाम क्या, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड,
तो राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड था वो सबसे पहले किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद जी को, विश्वनाथ आनंद को पहला पुरस्कार मिला था। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि 2021 में, 2021 और डेट क्या थी? 6 अगस्त, 6 अगस्त 2021 को इसी पुरस्कार का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो याद रखने की बात यह है कि जो ये तो बने ही है, वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथ आनंद बने हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो कौन थे आपके? विश्वनाथ आनंद। अब विश्वनाथ आनंद को मानो खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से, वो कब किया गया था? तो 1991 में। और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। वर्तमान में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम कब परिवर्तन किया गया? तो ये 2021 में। तो ये सारे हमें पॉइंट याद रखने होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल्स के चेयरमैन कौन बने हैं? तो जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जैसे शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? ऑयल। कि कौन चेयरमैन कौन बने हैं? तो चेयरमैन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, जैसे सुरेश सेन पटेल है, रंजीत रहता है, सत्येंद्र प्रकाश है, संजय अरोड़ा है। तो हमें पता है कि जो सुरेश सेन पटेल है ये क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। जो सुरेश सेन पटेल हैं ये केंद्रीय सतर्कता, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के चेयरमैन है, या इन्हें सीवीसी बोल देते हैं, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। अब बात करते हैं रंजीत रथ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? रंजीत रथ। रंजीत रथ किसके हैं? ऑयल के, ऑयल इंडिया ऑयल लिमिटेड। अब बात करते हैं हम सत्य प्रकाश की, तो जो सत्य प्रकाश हैं ये क्या हैं? सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक हैं। ये क्या हैं? सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक। तो ये चीज याद रखना है। उसके बाद बचे आपके संजय अरोड़ा, तो संजय अरोड़ा को क्या बनाया गया है हाल ही में? दिल्ली पुलिस आयुक्त या दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो इन्हें क्या बनाया गया है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो ये सारी चीज ध्यान रखना होंगे। जो सुरेश सेन पटेल हैं वो क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, और रंजीत रत्न है ये ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं, और जो सत्येंद्र प्रकाश हैं ये सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक हैं, और संजय अरोड़ा जी ये क्या है? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भारत का आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, 75वां, तो इसी के संदर्भ में जो रामसर साइट है वो भी कितनी कर दी गई? 75। तो जो रामसर स्थल है उनकी संख्या कितनी हुई? टोटल 75 या 75। तो ये आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में यहाँ रामसर साइटों की संख्या भी कितनी कर दी गई? 75। अब बात इसमें हम करते हैं कि भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं, तो जोड़ने की बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने जोड़े गए हैं अभी? 11। और सबसे ज्यादा किस राज्य में जोड़े गए हैं? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अब बात कर लेते हैं रामसर की, तो अगर वो पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर है, तो तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अब कितने हैं? 14। और उसके बाद आता है नंबर उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि रामसर स्थल, ये रामसर स्थल है कहाँ? रामसर स्थल
रामसर स्थल, या इसे रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट भी कहते हैं, या वेटलैंड कन्वेंशन। तो ये वेटलैंड कन्वेंशन ये कहाँ हुआ था? ईरान में। और कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। और दिन क्या था? 2 फरवरी 1971। अब बात करते हैं 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि दिवस, या वेटलैंड डे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके बाद जो सबसे ज्यादा रामसर स्थल है वो कहा है? तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 हैं। और तमिलनाडु में कितने हैं? 14 हैं। सबसे ज्यादा कहाँ मानो बड़े हैं ये 11 में, तो ये बड़े हैं सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, कितने? 4। और रामसर स्थल ये कहाँ पड़ता है? ईरान में। और इसका जो कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। और सब मानो भारत में टोटल कितने हैं? तो 75 हैं। तो ये ध्यान रखना होगा, टोटल रामसर स्थल कितने हैं? 75। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता? कि जो रणजी ट्रॉफी का कौन सा एडिशन है आपका, 2021-22 वाला, जो 2021-22 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता? तो यह बात हो रही है टीम की। तो इसमें दिए हैं आपका मध्य प्रदेश है, मुंबई है, पंजाब है, और फैक्ट दिल्ली, या खाली या दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की, तो ये मध्य प्रदेश पहली बार विजेता बना है, फर्स्ट टाइम विजेता बना है, फर्स्ट टाइम। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कौन विनर रहा है, या सबसे अधिक। मुंबई, मैक्सिमम विनर कौन रहा है? मुंबई। और ये कितने बार रहा है? टोटल 41 बार, ये चीज ध्यान रखना है। अब रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1934-35 में। तो ये भी ध्यान रखना है। तो जो 2021-22 का जो पहली बार खिताब किस टीम ने जीता है? मध्य प्रदेश ने। और ये मानो सबसे अधिक बार किसने जीता है? तो मुंबई ने। कितने बार? 41 बार। रणजी ट्रॉफी की स्थापना कब हुई थी, या शुरुआत कब हुई थी? 1934-35 में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? अब इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं सना सेठी है, रूबल शेखावतन, या धूपिया है, श्रुति हसन है। तो यहाँ आपकी ऑप्शन दिए हुए हैं कि अब ये हमें ध्यान रखना होगा, ये पूछा कब गया है कि मिस इंडिया 2022 या 2022। तो 2022 का खिताब किसने जीता है? आपकी सना सेठी ने। किसने? सना सेठी। इसका सही आंसर क्या होगा? सना सेठी। अब हम बात करते हैं कि 2021 के लिए किसने जीता था? 2021 या 2021 के लिए ये आपकी थी मानसी, मानसा वाराणसी। तो जो इसका जो ताज है वो मानो मानसी वाराणसी ने किसे पहनाया है? सिन्हा सेठी को। कौन था इसका 2021 में? मानसा वाराणसी। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अलतूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो बात अब किसने किया है ये सबसे पहले? तो नरेंद्र मोदी जी ने। और किस राज्य में किया है ये? और स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अलतूरी सीताराम राजू। और कितने फीट ऊंची है? 30 फीट ऊंची है।
किसकी प्रतिमा है? काशी की प्रतिमा है, कनावरण किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं आपके आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और केरल है। तो जो सीताराम राजू थे, वो अलतुरी सीताराम राजू थे, इसकी 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आपका कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। अब ये क्या थे? ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे। अब बात हम आंध्र प्रदेश की कर लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। कहाँ पर है? अमरावती में। अब कुछ लोग हैदराबाद अभी भी याद करे होंगे, पर हैदराबाद नहीं है, अमरावती है। तो अमरावती इसकी राजधानी है। अब अमरावती में कौन सा हाईकोर्ट बना है? 25वां। 25वां हाईकोर्ट कहाँ बनाया गया आपका? अमरावती में। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। उसके बाद और भी चीज हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, अर्थात सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ का गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? तो यहाँ का गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन, विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। और तो इससे ये सारा रिलेटेड चीज हो गया। आप देख लीजिए कि जो सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है, वो उसका अनावरण कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। ये क्या थे? तो स्वतंत्रता सेनानी थे। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। अमरावती में क्या खोला गया? 25वां हाईकोर्ट खोला गया है। यहाँ का सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर यहाँ का कौन है? बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और एक बात और है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री है? 5 उप मुख्यमंत्री। तो आपका आंध्र प्रदेश ही इसका भी आंसर होगा। यहाँ क्या है? 5 उप मुख्यमंत्री है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मानो इसकी खुद की इंटरनेट की सेवा है और वो भारत का पहला राज्य है। अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला, भारत का कौन सा पहला राज्य कौन बना है? तो ये हमें ध्यान रखना होगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? देख लीजिए, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु और मिजोरम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? केरल। तो यहाँ केरल की बात करते हैं, तो जो नौका दौड़ होती है, या वो अभी हाल ही में खेला गया है 68वीं नेहरू ट्रॉफी, केरल में नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है, वो कहाँ होता है? केरल में। और ये कौन से नंबर की थी? 68वीं। और इसका कहाँ कहाँ हुआ है? केरल में। और ये किससे संबंधित है? नौका दौड़ से। किससे संबंधित है? नौका दौड़ से। तो ये ध्यान रखना कि जो एडिशन कौन सा था? 68वां। और नाम क्या है? नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? नौका दौड़ से। इसका जो 68वां एडिशन है वो कहाँ पर हुआ है? केरल में। कुल मिला के जो भी नेहरू ट्रॉफी होती हैं, नेहरू ट्रॉफी एडिशन कौन सा था? 68वां। तो ये ध्यान रखना है, नौका दौड़ से संबंधित है। और एक यहाँ अभी योजना चलाई है कि जो आंगनवाड़ी वाले बच्चे होते हैं उसको अंडा और दूध, केरल में जो आंगनवाड़ी बच्चों को क्या दिया जाएगा? वो अंडा अर्थात एग और दूध मिल्क, ये आंगनवाड़ी बच्चों वाल जो आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हाल ही में किसने योजना चलाई है? केरल ने। और एक और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका भी आंसर होगा केरल। तो ये जो 10 क्वेश्चन की सीरीज थी, ये इसका आखिरी क्वेश्चन था, और ये 10 क्वेश्चन का ये पहला सेट है। तो ऐसे ही आपके लिए सेट लेके आते रहेंगे, और कुछ विशेष सूचना है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारा ये
एप्लीकेशन आ चुका है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। जैसा कि इसमें दिया है एमआरके स्टडी वे ऑफ सक्सेस फॉर इंजीनियर्स, तो उसके लिए जैसे आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे एमआरके स्टडी, तो ये हमारा देख लीजिए ये वाला आइकन होगा और इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो जिसमें बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे आपके पीडीएफ है, बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, लाइव टेस्ट है, तो ये सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो कृपया करके इस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और शेयर भी करें। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे चाहे वो एनीवेडी किसी की भी एग्जाम हो, आप सभी एग्जामों के लिए आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और वो भी एक किफ़ायती मूल्य पर। ऐसा नहीं है कि मानो हम बहुत ही ज़्यादा प्राइस रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें कुछ चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी और कुछ कैसी होंगी, पेएबल होंगी। जैसे कुछ के लिए पे करना पड़ेगा आपको, और जो भी पे करना पड़ेगा वो अदर बहुत सारी मानो कोचिंग संस्थान है या बहुत सारी मतलब ये प्लेटफॉर्म है, तो वो सारे टेस्ट सीरीज को बेच रहे हैं। तो उन सभी से ये टेस्ट सीरीज कैसी होगी, सबसे सस्ती मिलेगी आपको। मार्केट में खोज के देख लेना कि सबसे अगर कहीं सस्ती सीरीज मिल रही है तो हमारी होगी, एमआरके स्टडी परिवार की। तो आप देख लीजिए, तो इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। क्लासें वो आपकी क्लासें भी इस पे मिलेंगी, एप्लीकेशन पे भी मिलेंगी और यूट्यूब पे भी मिलती रहेंगी। तो इसके बाद हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ये भी आपको एम आर के ऑफिशियल करके होगा, एम आर के स्टडी ऑफिशियल करके। तो इसको भी आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डाउनलोड करें, और इसके सम